दो अमेर है, आवाज दो अमेर है, आवाज दो अमेर है। अरे लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। अरे लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। हम लेके रहेंगे 22,000, हम लेके रहेंगे 22,000, है हक हमारा 22,000, हम लेके रहेंगे 22,000। अरे लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। अरे योगी जी हम योग्य हैं, योगी जी हम योग्य हैं, योगी जी हम योग्य हैं। लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। हम लेके रहेंगे 22,000, हम लेके रहेंगे 22,000, हम लेके रहेंगे 22,000, है हक हमारा 22,000, हम लेके रहेंगे 22,000। लाखों सीटें खाली हैं, 22,000 हमारी है। मैं पूजा मिश्रा हूँ, लखनऊ से हूँ। 21 जून से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग की सीट 22,000 जुड़ जाए। कोई हम लोग कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पास है, आप सब पढ़े लिखे हैं। एक एक नंबर का महत्व आप सबको पता होगा, क्या हो जाता है एक नंबर से, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यहाँ तो 3 नंबर सरकार ने दे दिए उनको जो फेल थे, और जिनके क्वेश्चन सही थे उन्हें एक भी नंबर नहीं मिला। कहाँ से ये कॉमन नंबर हो गया, जरा हमें आप लोग बताइए। 3 नंबर की वजह से आज हम सब बाहर हैं। सरकार से सिर्फ ये निवेदन कर रहे हैं कि 22,000 सीट जो बची हुई हैं उसी को जोड़ दे। कोई अलग से पद हम लोग नहीं मांग रहे हैं कि आप हम लोग को अलग से पद देकर हम लोग का समायोजन करिए, ये सब कुछ नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ जो 22,000 पद रिक्त रह गए हैं, वो हम लोग पास 115-120 नंबर ला कर भी बाहर हो गए, वो 22,000 पद हमें दे दीजिए, हम लोग अपने अपने घर शांति से चले जाएँ। सर मेरा नाम शिखा पाल है। मैं इस समय अपनी एज बताने इसलिए चाहूँगी कि मैं 36 वर्ष की हूँ, और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल्याण सिंह के टाइम पर अपना हाई स्कूल इंटर पास किया था। उस समय आप सभी अच्छी भली भांति से जानते हैं कि उस समय नकल विहीन परीक्षाएँ होती थी। उस समय हम लोगों के मार्क्स मैक्सिमम 60% अगर आ जाते तो बहुत ज़्यादा थे। बट आज की आप लोग मूल्यांकन प्रणाली देख रहे हैं कि इस समय बच्चों को फ्री में 90-95% फ्री में दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बताना चाहते हैं कि जब सरकार ने हमारी टेट सुपर टेट सारी परीक्षाओं को लिया, तो उसमें सर एकेडमिक जोड़ने का क्या तुक बनता है। जब आप कंपटीशन ले रहे हैं एकेडमिक में, तो बच्चा किसी भी प्रकार से मार्क्स ला सकता है। बट हम लोगों ने जब इतने मार्क्स पाए, अगर आज आपने एकेडमिक इसमें ना जोड़ी होती जो हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो हम लोग भर्ती के अंदर होते और वो लोग बाहर होते, क्योंकि हम लोगों के 100+ सभी बच्चों के, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके 100+ मार्क्स आए। बट हम इस भर्ती से केवल अपनी एकेडमिक की वजह से बाहर। उम्र के इस पड़ाव पर सर क्या हमको बस धरना ही देना बन रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं जितनी भी सरकार के पास, मैं 22,000-23,000 की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी सुपर टेट योग्य पास अभ्यर्थी सभी को इसमें भरा जाए, समायोजित करा जाए, हमारी 1,37,000 सीटों को पूरा भरा जाए। ना कि हम सरकारी कहती है ये भर्ती अलग थी वो भर्ती अलग। हम तो आज यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी बात की हाँ वो 68,500 अलग थी, 69,000 अलग थी। बट हमको ये कहना जितने भी हम सब योग्य अभ्यर्थी सुपर टेट में पास है, हम सभी का समायोजन किया जाए, हम सभी को भर्ती में शामिल किया जाए, हम लोग को नियुक्ति प्रदान किया। जिस तरीके से बिहार जैसा पिछड़ा देश, पिछड़ा राज्य हमारा क्या बोलते हैं, वहाँ पर वहाँ संख्या अभ्यर्थियों की 3 गुना ज़्यादा थी, हमारे यहाँ तो हम लोगों ने पदों के सापेक्ष 2 ही गुना है। तो सर जब पिछड़ा बिहार राज्य कर सकता है अपने सारे सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को, तो उत्तर प्रदेश तो हर मामले में उससे अग्रणी है। तो मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ माननीय योगी जी से कि हम सब जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनका मान रखकर निष्पक्षता से हम लोगों का समायोजन किया जाए और 1,37,000 पूरे पदों को भरा जाए। धन्यवाद।